हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं उम्मीद करता हूं कि गाइस आज जो मैं वर्क करने वाला हूं, तो गाइस आज मैं एक मेरे पास काफ़ी टाइम से मेरा एक क्लाइंट मेरे से काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था हेयर स्मूथनिंग के लिए। तो वो मेरे से ये फ़र्क पूछ रहा था कि हेयर स्मूथनिंग अच्छी होती है या रिबॉन्डिंग अच्छी होती है। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो मैंने कैसे उसको सजेस्ट किया, उनके बाल को ज़्यादा उसके बाल की कंडीशन देख के मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप रिबॉन्डिंग कराएं। तो गाइस आज मैं अपने क्लाइंट की रिबॉन्डिंग कर रहा हूँ। तो गाइस अभी वीडियो में बने रहना। तो गाइस आगे देखना कि तो गाइस मैं सारा प्रोसीजर आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे रिबॉन्डिंग होती है और कैसे हम अच्छे से हम अपने बालों को उसकी केयर कर सकते हैं। आज मैं यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो प्लीज़ मिलते हैं अभी। तो गाइस आज हम कर रहे हैं भाई के हेयर रिबॉन्डिंग। काफ़ी टाइम से रिबॉन्डिंग के लिए कह रहे थे और इनके बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। आज हम इनको लाइक कर दो। तो गाइस हमने क्रीम अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस भाई के चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? लाल बटन साइड में उसको दबाओ और वीडियो को ज्यादा शेयर करो। यार सेम पिक्चर दिलवा दो यार। भाई लोग मैं बताएं जितना इतनी ठंड हो रही है ना, पूछे मत। तो गैस हमने वॉश कर दिया है और गैस देखो जब हम वॉश कर देते हैं ना, उसको टॉवल से बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से उसको वो करना है, शार्प करना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मस्त आया है। ये देखो कितने प्यारे हो गए हैं। अभी हेयर सूखेंगे, मैं इनको ड्राई लगाऊंगा और ड्रायर गैस ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, थोड़ा कोल्ड होना चाहिए, ठीक है।
तो गाइस देखो, हमने हेयर स्ट्रेटनिंग तो कर दी है इन पे, अब इन पे लगेगा न्यूट्रलाइजर, ठीक है। और न्यूट्रलाइजर लगेगा गाइस सिर्फ 20 मिनट के लिए, क्योंकि तो न्यूट्रलाइजर का काम होता है सिर्फ बालों को अच्छे से सेट करना। तो गाइस ये है न्यूट्रलाइजिंग, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो वैसे हमने इसमें न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर दिया है और इसको 20 मिनट के लिए एक अच्छी सी पोजीशन दे देते हैं। अब आप हेयर ना अपना हेड ऐसे करके रख लीजिए, इसको आप हिलाने का नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, ऐसे कैसे रहना चाहिए। ओके, मिलते हैं 10 मिनट में। तो गाइस फाइनली हमने रिबॉन्डिंग कर दी है भाई की, और देखो कितना अच्छा हेयर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। अब इनको 72 घंटे तक कोई वॉश नहीं करना है। और गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।